नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन नाइन न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। देश की 10 बड़ी खबर आज हम आपके लिए लेकर आए। क्या है बड़ी खबर, शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में भले ही कांग्रेस की सरकार आ गई हो, लेकिन अभी भी नेताओं के बीच में अनबन देखने को मिल रही है। आपको बता दें, हाल ही में विभागों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच में लड़ाई देखने को मिली। वहीं देखा जाए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मिलकर सिंधिया को राजनीति से दूर करने की कोशिश में लगे हैं। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इंडिगो विमान में एक बार फिर गड़बड़ी का मामला सामने आया। आपको बता दें, बीते दिनों इंडिगो के A320 प्रेट एंड वेटिन इंजन हवा में बंद हो गया था, जिस वजह से यात्रियों की सांस हवा में अटक गई थी। वहीं गौर करने वाली बात तो है कि इंडिगो एयरलाइन काफ़ी समय से इंजन की परेशानी से जूझ रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर बीते दिनों रिलीज हो गया। आपको बता दें, फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों ने काफ़ी पसंद भी किया। अगर फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में मनमोहन सिंह का किरदार अनुपम खेर निभा रहे हैं। मेघालय के एक कोयला खदान में अभी भी 15 लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। उन 15 लोगों को हर पल डर सता रहा है, एक एक सेकंड उनके लिए भारी पड़ रहा है। दरअसल मेघालय के कोयला खदान में काफ़ी संख्या में मजदूर खुदाई कर रहे थे, लेकिन उनमें से 15 मजदूर खदान में फंस गए और वो बाहर नहीं निकल पाए। हैरानी वाली बात तो यह कि मजदूर 370 फुट नीचे खदान में फंसे हुए थे। इतना ही नहीं, पानी का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से उन लोगों को निकाल पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें, NDRF और भारतीय वायुसेना की टीम लगी हुई है उन 15 लोगों को बाहर निकालने में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बनी रहती हैं। एक बार फिर वो चर्चाओं में आ गई हैं। आपको बता दें, हाल ही में स्मृति ईरानी की मुलाकात जब बॉलीवुड की एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर से हुई, तो उस दौरान जाह्नवी ने स्मृति को आंटी कह दिया, जिस वजह से स्मृति ईरानी काफ़ी नाराज़ हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीतनों दिल्ली में भाषण दे रहे थे। उस दौरान भाजपा समर्थक केजरीवाल का मजाक बनाते हुए बार बार खांस रहे थे और आपस में हंस रहे थे। वहीं इस बात पर नितिन गडकरी ने भाजपा समर्थकों को ऐसा करने से मना किया, तब जाकर भाजपा समर्थकों ने अपनी हरकत को ऐसा करना बंद किया। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साफ सफाई के मामले को लेकर भाषण दे रहे थे। वहीं साफ सफाई को लेकर वो लोगों से बात भी कर रहे थे और उनको कुछ बता रहे थे। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने बीते दिनों 134वां स्थापना दिवस मनाया। आपको बता दें, इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने केक काटकर और ध्वजारोहण करके जश्न मनाया। वहीं इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता शुरू से उनकी पार्टी के साथ जुड़े रहे, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने संघर्ष किया, वो उनकी मेहनत और संघर्ष को सलाम करते हैं। बॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद काफ़ी धूम मचा रही है। आपको बता दें, दर्शक फिल्म को देखकर काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी बात तो है कि दर्शक इस फिल्म के गाने को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, तो दर्शकों ने फिल्म के ट्रेलर को काफ़ी पसंद किया था। वहीं जिस तरह से दर्शकों ने ट्रेलर को देख के फिल्म की उम्मीद लगाई थी, बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। फिल्म रिलीज़ होने के बाद दर्शकों ने सिम्बा की खूब तारीफ़ की। आपको बता दें कि दर्शक सिम्बा को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। वहीं सिनेमाघरों में फिल्म को देखने के लिए लोगों की कतार दिखाई दे रही है। फिल्म को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। वैसे आपको बता दें कि सिम्बा जल्द ही नया रिकॉर्ड बना सकती है और बढ़िया कमाई कर सकती है। 4 दशक से भी ज़्यादा लोगों को अपनी एक्टिंग से गुदगुदाने वाले एक्टर कादर खान की हालत काफ़ी नाजुक है। 81 साल के कादर खान अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर उन्हें बाईपाइप वेंटिलेटर पर रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कादर खान के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, उनकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। वैसे आपको बता दें, कादर खान ने कई फिल्मों में अपना अहम रोल दिया है और उनकी कॉमेडी देखकर बहुत ज़्यादा दर्शक हंसते थे। वहीं दुआओं का दौर भी शुरू है। आपको बता दें कि कादर खान के चाहने वाले, वहीं बॉलीवुड सितारे भी यही कामना कर रहे हैं कि भगवान जल्द ही कादर खान को ठीक कर दें, भगवान जल्द ही कादर खान को स्वस्थ कर दें। वैसे आपको बता दें कि कादर खान की स्थिति, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, और वहीं इस बात को देखते हुए लोग उनकी सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं, लोग उनकी सलामती के लिए मन्नतें मांग रहे हैं। बॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म ज़ीरो
सिनेमाघरों में रिलीज़ तो हुई लेकिन फिल्म ने वो कमाई नहीं की जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी। वैसे आपको बता दें कि जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तो फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों ने फिल्म के ट्रेलर को काफ़ी पसंद किया था। वहीं सबसे बड़ी बात तो है कि जब फिल्म का ट्रेलर आया तो दर्शकों ने ये उम्मीद लगा रखी थी कि जब फिल्म का ट्रेलर इतना अच्छा है तो जाहिर सी बात है फिल्म भी अच्छी होगी। लेकिन जब दर्शकों ने सिनेमाघरों में फिल्म देखी तो फिल्म उन्हें ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आई। फिल्म के शुरुआती और एंडिंग जो है उन्हें पसंद आया, बीच की चीज़ें उन्हें समझ नहीं आई और सबसे बड़ी बात है फिल्म की कहानी उन्हें बोरियत कहीं ना कहीं दिखाई दी। वहीं अगर बात करें कमाई के मामले में तो सिनेमाघरों में फिल्म ने कुछ बेहतर कमाई भी नहीं किए और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोग जीरो की तारीफ नहीं कर रहे हैं।